बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठमाला पाठ 6, जिसका नाम है पंच परमेश्वर, इसका अध्ययन करेंगे। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। प्रेमचंद्र जी का जन्म 1880 में 31 जुलाई को लम्ही गांव में हुआ था, बनारस के। इनका बचपन अभावों में बीता। इनका मूल नाम गणपत राय था। इनकी गणना यशस्वी लेखकों में की जाती है। यह उपन्यास सम्राट के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण सरकारी नौकरी से भी इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, आश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान। कहानियों के भी ये प्रसिद्ध लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। मानसरोवर, जो 300 कहानियों का इनका एक संग्रह है। नाटक करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, गोदान। नाटक गोदान जो नाटक है वो इनका एक हिंदी का प्रसिद्ध नाटक के रूप में प्रचलित है। पंच परमेश्वर का जो पाठ है इसके अंदर निष्पक्ष न्याय की हर ओर जय जयकार होती है। पंच के आसन पर आसीन काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह से ग्रस्त साधारण मानव भी उजला हो उठता है। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आइए पंच को परमेश्वर सिद्ध करती ये कहानी पढ़े। पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खाने पीने का व्यवहार था, न धर्म का नाता था, बस विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी तो यही है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थी, जिनके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई भी उनका सगा न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके उनकी सारी मिल्कियत अपने नाम लिखवा दी थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब लजीज पदार्थ खिलाए गए, हलवेसी की गई, पुलाव की वर्षा, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ साथ कड़वी बातों के तेज तीखी सालन भी देने लगी थी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। आय हाय, बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती गले से, हैं? जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन तो खाला जान ने सुना और सहा, पर जब ज्यादा सहा न गया तब जाकर जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने हाथ आई इतनी बड़ी दौलत को इतनी आसानी से खाला जान को लौटाना उचित न समझा। कुछ दिन तक यूं ही रो धोकर काम चलता रहा, और अंत में जाकर एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह नहीं होगा। तुम मुझे थोड़े रुपए दे दिया करो महीने के, मैं अपना पका खा लूंगी। रुपए के यहां फलते हैं? मुझे मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? तो कोई ये थोड़े ही समझा था कि तू मौत से लड़कर आई हो? जब जुम्मन ने ये बात कही तो वो खाला के दिल को चुभ गई, वो बिगड़ गई। अचानक उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाता देखकर मन ही मन हंसता है, बोले, हाँ करो पंचायत, जरूर करो पंचायत, फैसला आज हो ही जाए, मुझे भी ये रात दिन की खटखट पसंद नहीं है। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कोई भी संदेह न था। आस पास के गांवों में भला ऐसा कौन था जो कि जुम्मन की ऋणियों की लिस्ट में ना हो। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आस पास के गांवों में दौड़ती रही थी।
कमर झुककर कमान की तरह हो गई थी, एक पग भी चलना दूभर था। मगर एक बात आन पड़ी थी जिसका निर्णय उन्हें लेना जरूर था। कोई विरला ही ऐसा भला आदमी हो जिसके सामने उस बुढ़िया ने दुख के आंसू न रोए हों। किसी ने हां कहा तो किसी ने हूं करके टाल दिया, मगर उस अन्याय से बुढ़िया को बचाने की हिम्मत किसी में न थी। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक कर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। मुझे बुलाकर क्या करोगी खाला, कई गांवों के आदमी तो आएंगे ही। अपनी विपत्ति तो सबके आगे रो आई बेटा, अब आने ना आने का अख्तियार उनको है। अब देखो खाला, यो आने को तो आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह नहीं खोलूंगा। क्यों बेटा? देखो जुम्मन मेरा पुराना दोस्त है, उससे बिगाड़ कर कब तक जीऊंगा गांव में। बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? अलगू इस सवाल का कोई उत्तर ना दे सका। उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। संध्या समय एक पेड़ के नीचे आखिरकार पंचायत बैठी गई। शेख जुम्मन पहले से ही फर्श पर बैठा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वो स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठा हुआ था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, जुम्मन ने मुझे ता हयात रोटी कपड़ा मकान ये सब देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा, बेकस बेवा हूं, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकालो उसी राह पर चलूं। हाँ, अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मुझे भी थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्यों एक बेकस की आह लेता है। मैं तुम पंचों का हुक्म सर माथे चढ़ाऊं। हाँ, पंचायत में जुम्मन शेख से पूछा गया कि आप पंच किसे मानते हो। इस पर जुम्मन शेख ने कहा कि खाला जिसे चाहे उसे पंच चुन ले। इस पर बुढ़िया ने कहा, मैं अपनी ओर से अलगू चौधरी को अपना पंच चुनती हूँ, वो जो न्याय देगा मुझे मान्य रहेगा। ये सुनकर जुम्मन शेख बहुत खुश हुए कि अब तो न्याय जुम्मन शेख की ओर ही होगा। परंतु कहा जाता है कि पंच के मुंह से जो न्याय होता है वो स्वयं परमेश्वर यानी ईश्वर के मुंह से होता है। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन जब काम पड़ा तब तुमने अपनी खाला का इस्तेमाल किया। देखो भाई, वैसे तो हम और तुम पुराने दोस्त हैं, तुमने हमारी मदद भी की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते ही आए हैं। मगर इस वक्त तुम और बूढ़ी खाला दोनों ही हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो भी अर्जी करनी हो तुम करो। जुम्मन को विश्वास था कि अब तो बाजी उसी की है। अलगू तो जैसे ये सारी बातें पंचों के सामने दिखावे के लिए कर रहा है, इसलिए निश्चिंत होकर बोला, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी, मैंने उन्हें ता हयात खाना कपड़ा देना कबूल किया। अरे खुदा गवाह है, आज तक मैंने अपनी खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ, उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। मगर अब
थोड़ी बहुत औरतों में जरा अनबन हो गई तो इस पर मेरा क्या बस। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं, जायदाद जितनी है वो तो पंचों से छिपी नहीं है ना, उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बा नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र ही नहीं है, नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में ना पड़ता। हाँ जी जी, बस मैंने जो कहना था वो कह दिया, आगे पंचों का अख्तियार है, जैसा फैसला करें। अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें ये नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाना चाहिए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च उन्हें दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बा नामा रद्द समझा जाए। ये सुनकर मानो जुम्मन शेख के सीने पर हथौड़ा चल गया हो। ऐसा तो कभी उसने सोचा ही ना था। अब उस दिन से दोनों मित्र तलवार और ढाल के समान मिलने लगे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के अवसर मिलने का इंतजार करने लगे। संयोगवश अलगू चौधरी ने खेती के वास्ते एक जोड़ी हथक कट्टा और तगड़ा खरीद कर कहीं ले गया था। वो बैलों का जोड़ा पूरे गांव में इतना मशहूर था कि तकरीबन रोज ही लोग उस बैलों के जोड़े को देखने आते थे। अचानक एक दिन उन दोनों बैलों में से एक की मृत्यु हो गई। अब बस एक ही बैल बचा था। उसे भी अलगू चौधरी ने शंभू साहू के हाथ ओधर में बेच दिया था। शंभू साहू ने बैल से इतना अधिक काम लिया कि बैल एक दिन स्वर्ग से धार गया। अलगू चौधरी जब शंभू साहू से बैल की कीमत मांगते तो बातें टालकर वो समय बिताने लग जाते। एक दिन अलगू चौधरी की पत्नी शंभू साहू के घर जाकर बैल की कीमत मांगते तो शंभू साहू ने इनकार कर दिया। उल्टे शंभू साहू की पत्नी तो अलगू चौधरी की पत्नी को गालियां देने लगी। कमबख्त ने कैसा बैल दिया हाँ, जिसके चलते सारा परिवार लुट गया। अरे हमारा तो सारा का सारा पैसा चोर लूट गए, कहां से दूं तुम्हें पैसा। व्यापार करते समय रास्ते में माल से भरी बैलगाड़ी खींचते खींचते रात भर में ही बैल ने अपने प्राण त्याग दिए। अरे जिसके कारण सारा धन चोर लूट गए। इस तरह से बात काफी आगे बढ़ गई और शंभू साहू ने बैल की कीमत देने से इनकार कर दिया। लाचार होकर अलगू चौधरी ने पंचायत बुलाई। फिर से वही पीपल का पेड़ जिसके नीचे कभी खाला जान ने पंचायत बुलाई थी, वही पंच लोग न्याय देने के लिए बैठे। अलगू चौधरी से पूछा गया, भाई आप किसे पंच मानते हो? उसने साफ शब्द में कहा, शंभू साहू जिसे चाहे पंच मान ले, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। शंभू साहू ने जुम्मन शेख को ही पंच चुना। अब तो अलगू चौधरी को लगने लगा कि उसका पुराना दुश्मन जुम्मन शेख उसके पक्ष में न्याय नहीं देगा। जुम्मन शेख भी इस बात पर उछल पड़ा कि अब तो अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने का वक्त आ गया। निश्चय ही अलगू चौधरी से बदला लूंगा। परंतु पंच के पद पर बैठते ही जुम्मन शेख की आत्मा से ऐसा न्याय निकला कि सब लोग दंग रह गए। जुम्मन ने सभी बातों को भुलाकर अलगू चौधरी के पक्ष में न्याय दिया कि बैल कमजोर या रोग से ग्रसित नहीं था जिसके कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए, बल्कि बैल से शंभू साहू ने इतना कठिन परिश्रम लिया कि वो बेचारा रास्ते में ही मर गया। आखिरकार जुम्मन शेख जो कि उस वक्त पंच था, उसने यही न्याय दिया कि शंभू साहू को बैल की उचित कीमत देनी ही होगी। तब जुम्मन शेख को ये महसूस हुआ कि वास्तव में पंच के मुख से जो भी वाणी निकलती है वो स्वयं परमेश्वर के मुख से निकलती है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए, उनके गले लिपट कर बोले, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठ कर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन,
न्याय के सिवा उस वक्त उसे और कुछ भी नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हुआ कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। इस बात पर तो अलगू रोने लगे और इन आंसुओं के पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई।